मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट रियासी में माइनिंग के रिलेटेड जो बात चल रही है, जब माइनिंग बंद थी तो बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, काम की, तामीर तरक्की की बहुत मुश्किलें आ रही थी। अब जब माइनिंग खुली है तो जब पब्लिक हेयरिंग हुई थी, हमने बार बार ये बात वहाँ पे पब्लिक हेयरिंग में बोली थी कि जो रेट हैं वो जेन्युइन लिए जाएं, गरीब आवाम अपने जो पीएमएवाई मकान है चाहे छोटे मोटे जो भी कोई काम करना चाहता है वो अपने काम कर सके। आज की डेट में ब्लॉक नंबर 27 की मैं बात करूं, जो अनिल कुमार ठेकेदार है वहां पे, उसने इतनी धांधली और इतनी गुंडागर्दी, इतनी दहशत फैलाई हुई है। वो कहता है किसी ने लेना तो लो, नहीं तो मत लो। 10 दिन चलाएगा, 20 दिन बंद कर देता है वो। और साथ में जो कंथान ब्रिज है उसका किसी वक्त भी डैमेज होने का खतरा है। पिछले मैडम जी इंदुकमल चिप जी थे, 60-70 गाड़ियां वहां पे लगी होती थी। आज उस ब्रिज की हालत देखें, ये जो ठेकेदार है ये कहता है मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा दे रहा हूँ। मुझे इस चीज का पता नहीं है कि किसको पैसा दे रहा है, किस आदमी को पैसा दे रहा है, ये किस चीज का पैसा दे रहा है। 7 रुपये फिट के हिसाब से रेट निकला, वो 7 रुपये कुछ पैसे, 15 रुपये ये ले रहा है, 15 रुपये ये ले रहा है। और हमने कई बार डीएमओ साहब को भी बोला, वहां पे कंप्लेने भी की, बताया भी, जाके ऑफिस में बताया। मैं कहता हूँ वहां पे जो इसने गाड़ी अपनी वहां पे लगाई होती है, मन मर्जी के साथ अपनी सीना जोरी के साथ ये दादागिरी के साथ काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि एक ट्राली भी लेना बहुत मुश्किल की बात है। और साथ में ये कहता है जिसने लेना ले, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं बड़ी आराम के साथ, और इसकी जो क्वांटिटी है साल की खत्म हो चुकी है, और जितना हेक्टेयर एरिया है इसका उसके मुताबिक वहां पे डीएमओ साहब जाए, डी साहब वहां पे टीम भेजें, वहां पे जाके देखें कि ये डीपली कितना डीप वहां से मटेरियल उठा रहा है। और इसने वहां पे इतनी धांधली डाली हुई है, इतनी गुंडागर्दी डाली हुई है, मैं कहता हूं कि कोई मान कोई मिसाल ही नहीं है। और जो बोलने वाला है, जो भी कोई किसी किस्म का वो एक्शन लेगा, कहता है मैंने क्या, मैं देख लूंगा, मेरे लिए हर दरवाजा खुला है। मैं कहता हूं कि हम तो बोलेंगे, मीडिया के माध्यम से बोलेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे, डी साहब के पास जाएंगे, डिप कामत साहब के पास जाएंगे, जहां तक हमारी वो होगी हम जाएंगे, गवर्नर साहब के पास जाएंगे। हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, इस आदमी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम कंथान ब्रिज, राट ब्रिज बंद करके रोडों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जहां तक हमारा प्रोटेस्ट होगा हम करेंगे। इतनी देर हम नहीं पीछे हटेंगे, और खास नहीं पीछे हटेंगे। और खासकर इसको ये चेतावनी देते हैं कि अपनी जो हरकतें ये संभाल लीजिए, एक जिम्बाल, नहीं तो हम कहते हैं काम चलना चाहिए, मगर अगर काम तुमने चलाना है, अगर काम के हित के लिए, अगर तुमने काम ठेकेदारी काम लिया हुआ है, तुमने अगर टेंडर डाला हुआ है, तुमने बिट डाली हुई है, और ये तू नहीं कह सकता कि मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल है, ब्रांड स्टैंडर्ड ब्रांड है, सॉरी ये कोई कपड़े नहीं है ब्रांड के, वही जो सैंड है वही चंका में है, वही साथ में इसका पोर्शन ई मीना में पड़ता है, वहां पे है, अरनास में है। मुझे बताइए कि इसका कौन सा इतना सुपीरियर मटेरियल हो गया, कौन सा इसका स्टैंडर्ड मटेरियल कोई भाई ये ला रहा गया, मुझे बताइए कि कौन सा इसका इतना जबरदस्त मटेरियल है। मैं कहता हूं कि अगर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, और 500 मीटर अप, 500 मीटर ऊपर के और नीचे के खिलाफ, उस वक्त ये किया था कि ब्रिज को खतरा है, इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, इसको आर बाल दी जाएगी, इससे इसके इर्द गिर्द से कोई माल नहीं उठा सकता है। और साथ में इसने अपनी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक से माल उठा लिया है, और ये सीनाजोरी कर रहा है और जबरदस्ती कर रहा है। मैं कहता हूं कि डी साहब से मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो उस वक्त के नोटिफिकेशन निकली हुई है उसको देखें कि ये किस नोटिफिकेशन के तहत वहां से माल उठा रहा है ये, और जितने इसके 1 साल की क्वांटिटी बनती है, अब ये सीनाजोरी के साथ मटीरियल उठा रहा है, और इतना डीप जा रहा है, इतना डीप जा रहा है कि जब बरसात का मौसम आएगा हमें लगता है कि ब्रिज डैमेज हो जाएगा और तबाह और बर्बाद हो जाएगा, ये कंधान का ब्रिज खत्म हो जाएगा, अरनास के लोग अरनास में रहेंगे, सलाल के और रियासी के लोग सलाल में यहीं पर रहेंगे, आने जाने की सुविधा खत्म हो जाएगी, और बच्चों के आने जाने की जो पढ़ाई है, जो कॉलेज जो स्कूल आते जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल के लिए आते जाते हैं, वो किसको देखेंगे, कि जिम्बाल के जिम्बाल का चेहरा तो नहीं देखेंगे, जब ब्रिज डैमेज हो जाएगा वो लोग कहाँ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया करता हूँ, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, 1 हफ्ते के बाद हम जितने भी अपने वो प्रदर्शनों का हम करेंगे। जय।